सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बोर्डियन एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ना, वो ऐसी डिस्कशन करेंगे, हम सिर्फ एक बातचीत करेंगे। एक मूवी आने वाली है, आप लोगों ने नाम उसका पहले से सुना होगा, ट्रेलर आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो इस बारे में बात कर चुके हैं, दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब मैं इस बारे में बात करूँ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रह्मास्त्र, स्टारिंग रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, बच्चन साहब, नागार्जुन सर, मोनी रॉय एंड मैनी, बहुत लंबी लिस्ट है। सो मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेलर दे ड्रॉप, वो ट्रेलर मुझे कैसा लगा, वो क्या सोचता हूँ मैं उस ट्रेलर के बारे में, एंड द थिंग्स दैट आई एम काइंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मूवी। आई डोंट नो कि इतना सही है ये चीज़, बट सही है ही क्या। नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग, बट स्टिल मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार कर लेते हैं, मजा आएगा। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है एंड हमें सुनने को मिलती है बच्चन साहब की बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी सी, बहुत भारी आवाज। आई लव बच्चन साहब। देखो जिस मूवी में बच्चन साहब होते हैं ना, मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी वैसी बढ़ जाती है। बच्चन साहब कहते हैं जल, अग्नि, वायु, और इससे मुझे एक चीज याद आई। उसके बाद बताते हैं बच्चन साहब कि हमारे बीच बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि अस्त्रों में बसी हुई हैं, बेसिकली एंशिएंट वेपन्स हैं, बहुत पावरफुल हैं। और उसके साथ सीन्स में दिखाते हैं वो लोग जो उन अस्त्रों को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है हर अस्त्र के साथ एक एनिमल रिलेटेड है। और बताया जाता है कि जो ये कहानी है, ये अस्त्रों के देव की कहानी है, ब्रह्मास्त्र। सो अभी तक जितने भी सीन इसमें ट्रेलर में दिखाए हैं, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे वेपन यूजर्स हैं, सबके साथ एक एनिमल है। काइंड ऑफ मुझे याद आया थोड़ा बहुत पावर रेंजर जैसा, जिस तरीके से वो एनिमल्स दिखाए हैं, या जो भी कह लो वो सोल है उसकी, या वो फिजिकल फॉर्म है उसका, आई डोंट नो कैसे भी कह सकते हैं। जो उस बिजार एडवेंचर में जैसे स्टैंड होता है पीछे, या फिर एक सीरियल आता था पहले हंटिक करके, मुझे याद है एनिमेटेड सीरीज था वो, उसमें ऐसा होता था कि हर एक कैरेक्टर के पास एक आर्टिफैक्ट होता था छोटा, जो कि फिर फिजिकल फॉर्म ले लेता था कुछ मॉन्स्टर टाइप या कुछ, यू नो, फिर वो लड़ाई कराते थे उससे, पोकेमॉन जैसा। और इसी ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं मूवी के, हमारे जो मेन लीड हीरो हैं मूवी के, रणबीर कपूर, उनकी एंट्री होती है ट्रेलर में। नाउ जितना मुझे समझ आया, ही इज़ लाइक अ टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट, एक शोनन एनिमे का जो प्रोटैगनिस्ट होता है उस तरीके का, लाइक ही नो ही हैज सम काइंड ऑफ पावर, ही नोज ही इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम कॉमन पीपल, बट स्टिल ही डजंट नो कि ये पावर सिर्फ बस क्यों है, कहाँ से आई है, क्या रीज़न है, कितना शक्तिशाली है वो, या फिर कि वो चोजन वन है, ही इज़ द मेन लीड कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो वो उसको नहीं पता, वो उसको बाद में पता चलेगा। और एक और जो एनिमे मुझे याद आया इस पूरे काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट से, अभी तक जो ट्रेलर चल रहा है, अभी तक जितनी हमने बात की है, उसके बाद थोड़ा सा मुझे याद आया एक एनिमे जो कि है गॉड ऑफ हाई स्कूल। God of High School is all about teenagers fighting each other in a world tournament, जहाँ पे सारे जो teenagers हैं, जितने भी वो हैं, लगभग सारे, सबके पास godly powers हैं। उसका जो main protagonist है जिन मोरी, वो सबसे strong दिखाया है, he is kind of he has the powers of Sun Wukong। खैर मुझे बस याद आया, ठीक है मैंने सोचा इस चीज़ को ऐड कर देते हैं, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को लग रहा नहीं लग रहा, ठीक है ये तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद एंट्री होती है दो लोगों की, सबसे पहले आलिया भट्ट, शी इज़ लुकिंग क्यूट एज ऑलवेज। आलिया का जो पॉइंट है ना, वो याद रखना, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एंड अनदर थिंग इज द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह, एंड एज सून एज ही स्टार्ट्स केसरिया, मैंने कहा भैया अब जरा थोड़े दिन मुझे शांति से जरा सुनने दो, जरा उनको ट्रेलर पर कॉन्सेंट्रेट बाद में करूँगा, जरा मेरे को सुन दो। आई डोंट नो, लाइक ही हैज दैट काइंड ऑफ वॉइस, आप पिघल जाते हो, आप मेल्ट हो जाते हो। Then they show some more actors, some more characters, और story आगे बढ़ती है, बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बच्चन साहब के एक आधा दो fighting scenes दिखते हैं, सब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अस्त्र होते हैं। Then they showed हमारी अपनी प्यारी Indian Wanda। Now अगर तुम ये कहते हो ना कि ये Wanda जैसी नहीं लग रही, हो सकता है मुझे ही लग रही हो, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है वांडा के कैरेक्टर से। द थिंग इज़ कि मुझे ना वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद मुझे वांडा भी पसंद नहीं आने लगी। डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद खैर मेरा विश्वास उठ गया है ट्रेलर्स और मूवीज़ के ऊपर से, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा था एंड मूवी वॉज ए, लेकिन उसके बाद ना मुझे वांडा भी पसंद नहीं आने लगी, क्योंकि वांडा का जो कैरेक्टर है ना उसके अंदर, शी इज़ स्टूपिड। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि बच्चन साहब ग्रुप के लीडर हैं,
टीचर भी हैं, वो सिखा भी रहे हैं हमारे हीरो को, और हीरो को पता चल रही है अपनी शक्तियों के बारे में, जैसे कि नॉर्मली होता है सुपर हीरो मूवीज में, जैसा होता है कि कोई एक भाई साहब होते हैं जो उनको बताते हैं कि बेटे कैसे तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, तो वही सब हो रहा होता है। सीक्रेट्स खुलते हैं, हीरो को अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारे VFX, बहुत सारे फाइटिंग सीन्स, पीछे BGM बज रहा होता है, एंड ट्रेलर एंड्स। सो ये सब वो चीज़ें थी जो ट्रेलर को 2-3 बार देखने के बाद मैंने सोची और उसको एक जगह लिख लिया था मैंने, ये जस्ट वो पॉइंट्स हैं। नाउ बात ये है कि भैया सबसे पहले मैं बोलूँगा ट्रेलर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि पता नहीं जो कुछ टाइम से ट्रेलर्स आ रहे हैं ना उसमें उनको आदत पड़ गई है मूवी पूरी तरीके से मूवी दिखा देने की, कोई फ़ायदा नहीं होता यार, क्योंकि अगर आप मूवी समझ जाओ ट्रेलर से तो फिर फ़ायदा नहीं है। ट्रेलर इस चीज़ के लिए होता है कि आप हाइप मूवमेंट्स दिखाओ और आपको समझना है कि मूवी में क्या होने वाला है, दैट्स वाई यू वॉन्ट टू वॉच द मूवी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये रीमेक नहीं है, विच इज़ बहुत बहुत शुक्रिया, एक रीमेक नहीं है, एक बायोपिक नहीं है, किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है, सो थोड़ा सा शांति है इस मूवी से हमें। और अभी एक दो मूवीज़ और भी ऐसी आ रही हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, उसका ट्रेलर भी आ चुका है, तो यू नो वी आर काइंड गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। बॉलीवुड में कुछ चीज़ें थोड़ा सा ट्रैक पे आनी शुरू हुई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। जिस तरीके की ये मूवी है, सुपर हीरो टाइप, हैवी एक्शन सीन्स, हैवी VFX, एक अच्छा कोशिश मैं मानता हूँ इसको, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा ट्राई है, विच आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट। एंड या चीज़ जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ वो है आलिया का कैरेक्टर। मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से दिखाएंगे आलिया के कैरेक्टर को, हो सकता है वो एक नॉर्मल हीरोइन की तरह रहे और पूरा फोकस जो है वो लीड हीरो पर रहे, एंड शी इज़ जस्ट अ हीरोइन, बट मेरे को मज़ा तब आएगा जब दिखाएं कि आलिया हैज़ सम काइंड ऑफ सुपर पावर एज वेल, और शी हैज़ सम काइंड ऑफ रिलेशन विद सम अस्त्र, चाहे वो थोड़ा सा कम पावरफुल ही हो, बट समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं, एक काइंड ऑफ सरप्राइज एलिमेंट की तरह हो वो चीज़। नाउ जो कास्ट है मूवी की, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स लिए हुए हैं लोगों ने, मेरे को जो एक चीज़ लगती है इंपॉर्टेंट सुपर हीरो मूवीज़ में या इससे रिलेटेड मूवीज़ में, वो ये है कि इंटेंसिटी होनी चाहिए। नॉर्मल जो सीन्स होते हैं जहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है या फिर जहाँ जो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है स्टोरी के बीच में, वो सीन्स ओके होते हैं, बट ऐसे सीन्स जैसे कि फाइटिंग सीन्स हो गए या फिर कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है या सस्पेंस वाले सीन्स हैं या फिर ऐसे सीन्स जो कि मूवी और स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत बार इंटेंस होने चाहिए, वो मैं चाहता हूँ इस मूवी के अंदर हो। यू नो मार्वल डज अ रियली गुड जॉब इन दिस, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबको मालूम है थानोस वगैरह कोई रियल नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ सब फिक्शन है, बट व्हेन वी सॉ समथिंग रिलेटेड टू मार्वल लाइक एवेंजर्स हो गया या कुछ हो गया, वो एक माहौल क्रिएट करता है, हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो एक इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ को कि हमें लगता है कि हम उसका पार्ट हैं, हम उसके मेंबर हैं, उस यूनिवर्स के अंदर हैं, उस 2-3 घंटे के लिए हमें लगता है कि ये सब सच है। तो उस तरीके का हिसाब मैं चाह रहा हूँ इस मूवी से, क्योंकि बेसिकली ये मूवी सीरीज होने वाली है, ये फर्स्ट पार्ट है मूवी का, दे ऑलरेडी सेट दैट, और ऑब्वियसली इनको सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आई थिंक जितने भी पार्ट, ये जो अस्त्रवर्स जो है, फॉर यू टू गेट द ऑडियंस टू सी द सेकेंड पार्ट, आपको फर्स्ट पार्ट आपको बनाना पड़ेगा बहुत बढ़िया, ताकि लोग सेकेंड तक जाएं। यू नो यू हैव टू क्रिएट दैट एटमोसफेयर फॉर द ऑडियंस, यू हैव टू मेक देम बिलीव कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने वैसे यार ट्राई किया है ट्रेलर को थोड़ा सा रिव्यू करने का, एंड आई डोंट नो किस तरीके से आएगा, तुम लोग बताओ कैसे रहा है ये वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड #टैग लगा सकते हो जो तुम्हारा, ठीक है, फुल्ली छूट है। मैं तो बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं बोलूँगा, बट तब तक के लिए तुम्हारा जो मन करा वो लगा, ठीक है।